कॉलेज स्टूडेंट्स ने कोरोना की चपेट में आने और कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं दहशत में हैं। जबलपुर के होम साइंस कॉलेज और सेंट अलोयसिस में आज से एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इसी बीच होम साइंस कॉलेज की दो छात्राएं कोरोना की चपेट में आकर बीमार हो गईं, जिसे देखते हुए होम साइंस कॉलेज की छात्राएं दहशत में हैं। यही वजह है कि शुरू हुई परीक्षाओं को फिजिकल की बजाय ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर होम साइंस और सेंट अलोयसिस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई के साथ कॉलेज में प्रदर्शन कर विरोध जताया। छात्राओं की मांग है कि परीक्षाओं को ऑनलाइन या फिर ओपन बुक के तहत आयोजित किया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उससे कॉलेज में फिजिकल तरीके से परीक्षाओं में शामिल होने पर छात्राओं पर कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना किट समझ रही है, हमारा नारा भी यही है कि छात्रों को कोरोना किट समझना बंद किया जाए। होम साइंस कॉलेज में जो दो छात्राएं पॉजिटिव आई है उनका प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकती हूँ। उसके बाद भी कॉलेज में छात्राएं के एग्जाम लिए जा रहे हैं, क्या छात्रकाल का जो भविष्य है हमारी छात्राएं, क्या उनके बारे में गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं? शिवराज मामा वैसे मामा बनते हैं, आज कंस बन रहे हैं, वो देख नहीं रहेंगे कि छात्राएं पॉजिटिव है उसके बाद एग्जाम करा रहे हैं। आज हमने दो दिन पहले यहाँ पर आंदोलन किया था कि परीक्षाएं स्थगित की जाए, हमारी मांग पूरी नहीं हुई और आज एग्जाम लिया जा रहा है। क्या कोरोना पॉजिटिव लड़कियाँ आ जाएंगी और उसके बाद इन लोग एग्जाम लेना बंद करेंगे? पहले जांच कराई जाए उसके बाद परीक्षाएं कराई जाए, इसके बावजूद छात्राओं का एग्जाम लिया जा रहा है और छात्राएं आप देख रहे हैं कितनी दहशत में है, आपके सामने मौजूद है छात्राएं बहुत दहशत में है यहाँ पे छात्राएं। उसके बाद गवर्नमेंट मानने तैयार नहीं है, कॉलेज महोदय किसी भी मांग को पूरी करने के लिए तैयार नहीं है हमारी। परीक्षाएं तो चालू है, परीक्षाएं हो रही हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, अब क्या रणनीति होगी एनएसयूआई? वही तो बात है कि जब कोई परीक्षाओं को लेकर रणनीति ली नहीं गई है तो एग्जाम क्यों कराया जा रहा है? क्यों प्रिंसिपल मानने तैयार नहीं है? क्यों परीक्षाएं कराई जा रही है? क्या मोटो है इनका? क्या वो छात्राओं को कोरोना में ढकेलना चाहती हैं? हम उनसे सवाल भी करते हैं, क्या ये छात्राएं और ये छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? वो एग्जाम में नहीं बैठेंगी, वो दो छात्राओं को प्रिंसिपल महोदय का कहना है और यहाँ के टीचर्स का कहना है कि आप मत आइए एग्जाम देने के लिए, और एक छात्रा को तो बोला गया आप आइए, किसी को बताना नहीं कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं। लगता नहीं कि आपके प्रदर्शन से जो छात्राएं साल भर से तैयारी कर रही थी उनका है ना, उनका मनोबल गिर रहा है? अगर ऐसा करने से अगर उनका मनोबल गिरता तो आज छात्राएं हमारे साथ शामिल नहीं होती। और पहली बात तो ये कि छात्राओं का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, 5 दिसंबर तक कॉलेज में छात्राओं का एडमिशन हुए हैं, उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो किस बेस पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है? लेकिन समय तो लिमिट है, परीक्षा तो उसी टाइम पे कराई जाएगी। जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो बच्चे छात्राएं एग्जाम में लिखेंगे क्या? क्या फेल होंगे तो क्या उसकी जवाबदारी कौन लेगा? और सबसे बड़ी बात कोरोना किसी बच्चे को हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 50 लाख का बीमा करके दें एक एक बच्चे को? ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए मजबूरन बुलाया गया है, जिसको लेकर आज एमपी स्टूडेंट यूनियन ने ज्ञापन देकर प्रिंसिपल महोदय को चेताया है कि ऑफलाइन परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए और शासन के आदेश तक परीक्षाओं को आयोजन बंद किया जाए। ये लगातार आप प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं पर खुद ही आप मास्क नहीं लगाए, आपके खुद यहाँ पर जो छात्र हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं? नहीं, मतलब छात्र भी मास्क का पूरा कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं लगातार रूप से, और मैं भी संबोधित करने के लिए मैंने भी मास्क उतारा है, हालांकि मैं भी मास्क को पहना हुआ था। दो नहीं, लगभग 10 से 12 छात्रों को यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, कई ग्रेजुएशन के तो कई उनमें से जिनके आज एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र भी हैं कोविड संक्रमित। अगर ये अभी मांग पूरी नहीं होती तो आगामी 24 घंटे के भीतर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो कल उग्र आंदोलन इसी प्रशासन के द्वारा इसी महाविद्यालय प्रशासन में एमपी स्टूडेंट यूनियन करेगी। जबलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।